नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 12 मार्च की सुबह 11 बजे से जी हाँ दोस्तों यश समय से आपके जीवन काल में भगवान सूर्य देव के कृपा से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय रविवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का सभी महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है और यह समय इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव जिनके भी ऊपर कृपा करते हैं उनके जीवन धनदान से परिपूर्ण रहते हैं। उनके जीवन में सभी दुख तकलीफ और संकट समस्याओं से वह मुक्ति पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में इनके आशीर्वाद से आपके जन्म काल में भी कुछ ऐसे ही घटनाएं होने वाली है जिनसे आपके घर से जुड़ी सभी आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। पारिवारिक जीवन में जो भी नोक झोंक चल रही है दोस्तों, ये सभी समाप्त होने वाले हैं और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ समाचार भी यश में आपको सुनने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में ग्रहों की यह शुभ तिथि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव लिखेगा, गुरु जी का और भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों किसी भी पारिवारिक समस्या में आपकी उपस्थिति और सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों उचित समाधान भी निकलेगा। जीवन में कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी यश में हासिल होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखिए कि दोस्तों आपका कोई नजदीकी संबंध आपके ही खिलाफ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों किसी पर अधिक भरोसा या फिर विश्वास न करें। दोस्तों यश में अपनी क्षमताओं पर ही आप विश्वास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में पैसे संबंधित किसी भी प्रकार की लेन देन ना करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जिन बातों के बारे में आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे दोस्तों, उन बातों के लिए विचारों में क्लैरिटी लाना यश में आपके लिए आ सकते हैं। फिर भी उस पर काम करना आपके लिए यश में कठिन रहेगा। दोस्तों अपने अंदर की इच्छा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करते रहें। आपके कमजोर विचार के कारण आप हर बात में कमजोर पड़ रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय आत्मावलोकन में भी व्यतीत करें। दोस्तों कुछ समय से चल रही आपकी मेहनत व फिर लगन के अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने वाले हैं। यश में कई जो है उलझे कार्यों को भी व्यवस्थित करने का प्रयास आपका जो है सफल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों रिश्तेदारों से संबंधित कुछ वाद विवाद उठ सकते हैं, परंतु हर समस्या का समाधान बहुत ही जो है व्यवहार कुशल तरीके से करें। दोस्तों ध्यान रखें कि कोई पुराना नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी न हो। पैसे के लेन देन संबंधी कोई भी यश में कार्रवाई न करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों काफी दिनों के बाद परिवार के सभी व्यक्ति मिलजुल कर किसी विषय के बारे में आनंद मना पाएंगे। एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की वजह से परिवार के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ में यश में आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में दिल के बजाय दिमाग से आपको काम लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर व फिर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संपन्न हो सकते हैं। दोस्तों यश में ध्यान रखें कि यश में भावुकता की वजह से कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं,
कभी कभी गुस्सा में फिर चिड़चिड़ापन परिवार की व्यवस्था को भी यशमय खराब कर सकता है। इसलिए दोस्तों यशमय अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश करें। इनके लिए आप मेडिटेशन तथा अच्छी प्रवृत्ति के लोगों के साथ संपर्क में रहें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय अभी है यह ठीक समय नहीं होगा। दोस्तों आपने जो भी योजनाएं बनाई हुई है या फिर पेशे के लिए जिस स्रोत पर आप निर्भर हैं उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल मिल रहे अवसर आपको शुरुआत में प्रगति दिखाएंगे लेकिन भविष्य में बड़ी समस्या भी पैदा कर सकते हैं। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी काफ़ी समय व्यतीत होगा, इससे रोजमर्रा के तनाव व फिर थकान से राहत मिलेगी। युवा वर्ग को कोई बेहतरीन जॉब मिलने संबंधी सूचना मिलेगी। साथ ही दोस्तों किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद भी करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको आत्मिक सुख की खुशी का इसमें प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। बच्चों की किसी जो है नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है और इनसे आपका मन भी थोड़ा सा व्यतीत रहेगा। परंतु दोस्तों यश में बहुत ही समझदारी से परिस्थितियों को सुलझाने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों जीवन में आगे रफ्तार से बढ़ने की आपकी इच्छा बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप खुद ही खुद पर तनाव बना रहे हैं। दोस्तों वर्तमान की परिस्थिति का आनंद लेना यश में आपको सीखना होगा। दोस्तों आप और आपके पार्टनर मिलकर परिवार संबंधी सभी समस्याओं को मात भी यश में दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों यश में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ठीक करना आपके लिए अधिक जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल होंगे। यश में अधिकतर व्यवसायिक कार्य आसानी से संपन्न भी होंगे, फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट में हासिल होंगे। परंतु दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में जो है अधिक कार्यभार आपके ऊपर ही रहेगा। ऑफिस में किसी प्रकार की राजनीति भी चल सकती है, इसलिए दोस्तों इनसे आप यश में सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगी, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों किसी राजनीतिक व फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह व फिर मदद आपके लिए व्यवसाय को नई दिशा भी प्रदान करेगी। और दोस्तों यश में कर्मचारियों का भी सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा। परंतु दोस्तों यश में किसी प्रकार का रिस्क लेना आपको इनसे बचना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो है पब्लिक डीलिंग और मीडिया संबंधी कामों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इन कामों में जो है अच्छा फायदा आपको होने की संभावना बन रही है। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल जो है पॉजिटिव रहेगा। युवाओं के लिए भी रोजगार के उचित अवसर यश में बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सफल व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेना भी आपको उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी की अवस्था की वजह से उनकी देखभाल और फिर पारिवारिक संबंधी जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर रहेंगी। परंतु दोस्तों आप बखूबी सभी कार्यों को निभाने में भी यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टनर तथा परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन और फिर शॉपिंग में भी व्यतीत करें, इससे आपसे संबंधों में और अधिक नजदीकियाँ आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों घर की उचित व्यवस्था बनाए रखने में पति पत्नी दोनों का सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में प्रगढ़ता आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके वैवाहिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों वैवाहिक जीवन में जो संबंध है यश में मधुर रहेंगे। अचानक ही किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी यश में ताजे होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों डायबिटीज व फिर ब्लड प्रेशर की जाँच अवश्य करवाएं। यश में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों नकारात्मक विचारों को जो अपने अंदर न उपजने दें तथा अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बाहरी वातावरण से सावधान रहना आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। साथ ही अत्यधिक कार्यभार की वजह से भी थकान और कमजोरी महसूस होंगे। सबके साथ अपना भी ध्यान रखना यश में आपके लिए अति आवश्यक होंगे, तो दोस्तों इन सभी पर गौर करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे।